पिंडी पिंडी ए बाबा जी पिंडी ए अज अस मौजूद हाँ करतारपुरे ते करतारपुरे नहीं सारिया तुहानू गल्लां भी दसा इत्थे ने कितना अरसे ना पुराना करतारपुरा बनिया सिखां ने दौर रहे करतारपुरा बनिया पुरानी पुरानी तुसीं बिल्डिंगां भी दसा ते तुसां यकीन है नज़र अछणियां उस ने हड्डियां ये हड्डियां जानवरें नहीं थईयां लेकिन इसके नाल नाल लोग खाई जुलने करतारपुरे ने खाने इतने मशहूर है कि लोग पाए क्या हड्डियां क्या सब कुछ खाई जुलने की है कि मशहूर है ना पाकिस्तान जो पाकिस्तान की पार्टीशन हुई सी पाकिस्तान की पार्टीशन तो पहले भी एडा इलाका है ना ऐ तो सही टक टक नहीं आवाज भी नजर अच्छी होती पूरियां भी लगनिया काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया लोग सुते होने जागने पे जिस कौम ने लोग सुते अद्धी दिहाड़ी जागण तो क्या हाल हो सी लेकिन हाल वाल तो अपनी जगह लेकिन जड़े लोग खाने खाने से अछने ना वो बहुत ज़्यादा खुश होने क्योंकि करतारपुरा में सही दसना पैसा कि पाकिस्तान बनने तो पहले भी खाने पीने के हवाले बहुत ज़्यादा मशहूर था ते नाल नाल सब कुछ अहम गल यही कि इतने जो दुकानों पर जो लोग मौजूद है जो दुकाना पे करने जो कारोबार पे करने जो खाबिया ने दुकाना पे करने और तीसरी तीसरी चौथी चौथी इन्होंने नस्ल इतनी होएगी थोड़े अंदर जुलने जरा बहुत मशहूर दुकान ही ये दुकान अंदर जुलने पहले तो गल करने जो लोग थे खाने खाने वास्ते अछने उन्हें गलबात करसा उन्हें गलबात करने उसे दसा कि इतने खाने किस तरह उन्हें पसंद है क्या क्या इन्होंने खाने नहीं खूबियां मी लगना माड़े कुछ वकील दोस्त बैठे साढ़े नाल इतने तो मैं पहले अपने दोस्तों ने गलबात बस अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी ठीक हो अल्लाह ना करम जी आप नहीं सुनाओ क्या हाल है सुना क्या ना यहाँ जमाल ना है मेरा ओ जमाल साहब मी दसो मैं प्रोग्राम पे बैठा पिंडी पिंडी है बाबा जी पिंडी है तो पिंडी ने बहुत ज़्यादा चीज़ा जी मशहूर हैं तो अब तुम करतारपुरे बाजार मशहूर हो किस तरह आए हो इतने असा दोस्त यार अक्सर इतने आने रहने नाश्ते वगैरह मारे हूँ अच्छ कट्ठे सा तो दिल किया आ गए इतना टाइम हो गया तो नाश्ता इस वेले बस हम टाइम भी इस वेले लगभग सवेरे अदालतों खुआर होने रहे हैं अच्छा सवेरे अदालतों खुआर होने ते जिस वेले बारह तू बाद टाइम होना एक तू बाद टाइम होना तो नाश्ते करने माड़े दोस्त तुसा ना क्या हाल है जी अलहमदुल्ला जी ठीक ठाक ठीक हो खैर खरीयत जी शुक्र अलहमदुल्ला क्या क्या खादा ने नारी खादी पाए खादे ये तो नाश्ते दी चीज़ा होनी असं भी तो नाश्ता कराने आए हैं जितना टाइम हो गया तो नाश्ता इस वेले वकीलों का बारह बजे आता है वकील उठने किस वेले सुबह सरगी वाले सुबह सरगी वाले साढ़े वकील उठने गल सची सरगी वाले वकील ना उठने ना तो लोगों इंसाफ ही ना मिली सकना ना इसी वास्ते साढ़े जो वकील है वो साढ़े मुल्क ना दूसरा तीसरा पिलर बनने मेरा एक और दोस्त माशाल्लाह बहुत सोहनिया मुछा ही वट इन्हें दिते आ क्या हाल है जी अस्सलाम वालेकुम शुक्र मालिक ना अपनी क्या हाल उसका ना क्या मेरा नाम सरदार उस्मान है सरदार साहब मी दसो कि सुबह सुबह तुस अज आए हो जरा थोड़ा जहा कैमरे वाले पास मुँह करो माड़े ने गल बात करो ना क्योंकि तुसा रोटियां दे खाई की दियां पाए तो खाई की दे साढ़े ने गल बात भी पाओ ना मी दसो क्या क्या खादा ने असी अज पाए न्यारी मगज जरा इंजॉय करन आए हैं दोस्तों मगज भी खादा है ना कितना मगज खाने हो घर भी मगज खाने हो बच्चों ने मगज खाने हो लाजमी जी गल ही जी माड़ी थी उसने भी मगज खानी उसो नहीं वो साढ़ा खाना ना सीधे खा के पूरा कर रहे हैं जरा इस्तेमाल हो गया बहुत ज़्यादा किले ने तो मगज वैसे ही इस्तेमाल होने तो उन्हें किस तरह तुमने मगज खाई कि नाश्ता सुबह सुबह कराई तो भेजने जहर ही गल है शादी शुदा आदमी हो तो सवेरे सवेरे उस खा के टुरना लेकिन असल खाना तो इतना ही होना दोस्तों बह के असल खाना इतने तो ना होना इन्हें आख्या असल खाना इतने दोस्तों बह ही तो होना असल खाना उ होना जो घर आए खाने ये गल तो सच है अच्छा मैं दसो तुम माशाल्लाह वकील भी हो कि साढ़े मुल्क ने क्या हालात है कानून ने क्या मामलात है क्या गल कि कानून या इंसाफ जरा लोग मौजूद है असं करतारपुर इस हिस्ट्री ने हवाले ने गलबात करनी सी लेकिन क्या वजह कि इंसाफ लोग लेट चिरका क्यों लभना असल इंसाफ तो टाइम लिए मिल रहा है लेकिन प्रॉब्लम है जो सा प्रोसीजर है ना वो जरा जिस टाइम अंग्रेज़ गए उस टाइम ना जरा है वह अज तक कायम है उसी तब्दीलियाँ नहीं आई हुकूमत आईया गई लेकिन जी नवी चीज़ा आनिया चाहिए सन वक्त ना जी तब्दीलियाँ आनिया चाहिए वह हाले तक नहीं आईया हूँ कुछ थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है सिर्फ एक वजह है इंसाफ डिले हो रहा है अदरवाइज इंसाफ हो रहा है मुल्क पाकिस्तान सारा सोना मुल्क पाकिस्तान असा हासिल किया पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस पाकिस्तान का नारा तो मरने तो बदनाम कुछ करने अंग्रेजा ही मुसलमान असा बदनाम असं करने अंग्रेजा ही कै वो छोड़ी गए तो उस बाद सिस्टम इस तरह ही चलना कै गल कि सिस्टम कौन ठीक करसी कौन आसी क्योंकि पाकिस्तान असा हासिल करी कि अस मुसलमान हैं कानून तो सारा साढ़ा चलना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे से उन्होंने कानून चलना अंग्रेजा ने मुल्क उन्होंने कानून चलना तो साढ़े मुल्क क्या चलना क्या लेट होना की है क्या वजह
असल इस असा लोगों कद अपने उत्ते कानून नाफिज ही नहीं किया। इस्लामी शरीयत दर असी नहीं गए हैं। सानू जरा बनी बनाई चीज़ मिली असी खाली उसी ते अमल पैरा होने वाले कौम हाँ। असी लकीर दे फकीर हाँ, जिस रात लग गए बस उत्थे ही लगे रहे हैं। अच्छा जी बहुत सोहनी गल्लां माड़े भरा जो वकील से ना बहियां बहुत सोहनी गल्लां इन्हां कोल पुछने एक और माड़े दोस्त पहले उन्हें दस्या सर कस साड़ा नाश्ता जिहड़ा ना वह दोपहर तो बाद होना तो मी दसो जी सियासी हालात साढ़े मुल्क ने क्या है कोई वोटा शोटा बस हो कोई सियासत उपर तुसीं नज़र थी जहर वकील होने तो सत से तो साड़ी नज़र होनी ही होनी है वोट छोड़ दई है तो साढ़े को फिर गल कौन कर सी वोट छोड़ दसो सारे मामला छोड़ी दसो क्या गण क्या बने सो वोट असी ना छोड़ दें कि असी वोट छोड़ दी है तो लोगों को दसागे भी वोट ना इस्तेमाल किस तरह होना वोट तुम इस्तेमाल कर सो तो किसान दसन जोगे हो सो कि भी असी यह वोट इस तरह इस्तेमाल किया मैं लोगों भी यही कह सके तो अपना वोट जाया ना करो उसका इस्तेमाल करो कल कलानू थोड़े को पूछेगा भी तुम किसान वोट किया से थोड़े को जवाब तो होगा कि जी असी सियासी प्रोसैस हिस्सा से हाँ मैं जरा बेही जुना लके ही दर्द हो गया ना यही गल है इस उम्र लके ही दर्द होना और क्यों सी आखने पे इस उम्र लके ही दर्द होना मैं तुम सुना हूँ भी दौड़ी सकना तुसा ना माड़े ना रेस लाई किनू ना लाई किनू दौड़ कहने साढ़े ख्याल असी दौड़ लें चलो रेस भी लासा लेकिन असल जी साड़ी रेस ही ना वो रेस साड़ी जड़ी वो साढ़े मुल्क नहीं तरक्की नहीं रेस ही साढ़े मुल्क ने जड़े सियासी हालात है उसकी रेस असाई लानी चाहिए क्यों कि असाई दस्या ना कि 1947 जो सा पाकिस्तान बनया इस करतारपुर ने भी क्याम होया सारे मामलात होए खाने पीने ने वाले ने अस बहुत शेर हाँ महंगाई ने वाले ने अस बहुत कमजोर हाँ तो वोटा तुम दसने पे सुन कि वोटा तो बनिया लेकिन जिन्हें वोटा बने वो साढ़े ने इंसाफ किए नहीं करने गल है जिस टाइम तुम वोटा जरा सिर्फ शकल तक के पाने हो तो फिर इंसाफ थोड़े न कितों होवे एक बंदा थोड़े को आना कि भाव वोट करो तुम मेरी बरादरी हो या ये जो मामला बनता है उसके मुकाबले एक बंदा वो थोड़े को आता है जिसका वाकई हक बनता है उस ना देवो तो किसी की तो गलती नहीं गलती थोड़ी अपनी माड़ी गलबन मी लगना कि इख्तलाफ है तुम ही सिर लाने पेसो आखिर मकसद ये है कि अज भी असं वोट जो देने ना वो बिलादरी बेस पर देने जी माड़े चाचे आखी छोड़ी जाए वोट इसकी बाई छोड़ असी बाई चढ़े असी ना नज़रिए की तकने ना असी कैंडीडेट की तकने जी बस वही 1947 तो जोड़े कैंडीडेट चलने आए जद्दी पुछती वो ही आ रहे नवा चेहरा ना असी अपने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कोई नवा आएगा पढ़ा लिखा आएगा तो साढ़े मुल्क चेंजिंग करेगा ना शख्सियत पसंदी पर ही वोट बाई छोड़ने ना एक एक बंद असी पसंद भी करने फलाने पसंद करने फलाने पसंद करने क्या गल बावे और पसंद करो ना तो मी वोट बाई छोड़ो हुकूमत ढाई छोड़ने किसी हुकूमत भी अज तक तकरीबन कोई भी अच्छी हुकूमत आई है उस पांच साल अज तक कंप्लीट ना किया ठीक है कद असी पनामा की लै आने ठीक है कद असी साइफर केस लै आने कद के कद के लेकिन साढ़े मुल्क किसी भी हुकूमत जी प्रॉपर अच्छी तरीके काम कर रही उन्हें पांच साल असी पूरा नहीं करना मुल्क जड़ा जो खोखली करी छोड़िया तुम इस पास आओ ना इस पास इधर आओ कैमरे मैन इस पास अच्छो जरा मैं इन्हें पापे गल कर पापा और जोड़े ना वो थोड़े जो खलो जुलसो तुसा आए नहीं कीता आए ता नहीं कीता तुसा नहीं ते मणी उमराज फर्क या तुसा ता आए की चलो जी साडी उमराज फर्क ते थिया क्यों आमी दसो करतारपुर च मौजूद हां जी बिल्कुल ते क्या क्या चीजें तुसा खादियां ते इथे ने तुसाई कोई हिस्ट्री करतारपुर नहीं पता ही हिस्ट्री यही पता है कि बहुत पुराना एरिया है खान पीन ने हिसाब ना ज्यादा मशहूर है और अच्छा नाश्ता मिलना है तू पाकिस्तान बनने नु पहले पहले ना पहले ना आया उस वक्त थे सो नहीं उस वेले ऐसा ना थे कोई बड़े वडेरे तुसा बड़े वडेरे दादा परदादा इतनी तसल्ली ना दसने पे इतनी तसल्ली ना दसने पे कि पाकिस्तान बनने तो पहले जैसे तुस उस वे थे सो ना थे ना से सुनया अच्छा सुनया सुनी सारी गल ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए वैसे ना तुसा भी ते आखने पियो ना इतना पुराना या अच्छा बाबे नहीं थे पता ना बावारी तो सब कुछ जानने ना बावारी वक्त गुजारे हां तुसा ने बावारी वो जानने से ना कुल सुनया पुराना एरिया है अच्छा अच्छा इन्हें अपने बाबे को सुनिया तो मी दसो सियासी हालात क्या है सियासी हालात बस इसी तरह है जो तक उस निगरान हुकूमत ही नवी बनसी फिर पता लग सी क्या बनसी तुसने सामने नेक बंदे ने गल बाई छोड़ी नेक बंदा तो सियासत ना आपस क्या तलक है चलो थोड़ा जगह जुलने माड़े को भरा बैठे बहुत हंसने पे तरह माड़े को इतने अचो इतने अचो जरा इतने अचो तुम खुश होने पे हो खाली क्या आखने इन्होंने जी मैं गल् पाइं तुम सारिया सुनिया क्या आखने क्या होना चाहिए तो खादा क्या कहने खादा अज अस इत बह के नली नहीं आ रही और पाए खादे जो मतलब इतने ना रीत है इतने नहीं रिवाज है इतने मतलब मशहूर है करतारपुर पुराना मशहूर है इलाका नली नहीं आ रही गल बने पे ना नली उ मैं शुरू उपर जड़ियाँ अड्डिया टकाइया सी ना उन्हें अड्डिया ही नली आखने बहुत ज्यादा मजे नहीं होनी नहीं नहीं बिल्कुल इतने असं इंजॉय किया खा के खाना और इतों ही खाना खाने असं नाश्ता करने कितने पैसे लाई छोड़े ने मेरे ख्याल ना तकरीबन 10,000 रुपया तो लाग 10,000 रुपया इन्हें लाई छोड़िया तो सारा मुल्क बड़ा गरीब आ
10,000 रुपये लाई छोड़े गरीब आज अस खर्चा तो कितना खुश हाँ असा केस जीते तो उस वजह तो खुश हाँ माशाल्लाह केस जीतया तुम भी वकील ने संगी लगने हो मी बिल्कुल इसी तरह माड़े दोस्त जो माड़े खलोते बहुत सोनी है तुम तकई सकने है बहुत वही देख रखी देख दिखाओ जरा नाल है क्या पापा है क्या चीज़ ही मछली है जी जड़ाने बाबा जी ये मछली है जड़ाने किस चीज़ की मछली ये जड़ा ने बड़े गोज की मछली होंगी है जड़ा ने बोंग नाल अच्छा माड़ी भैन और आके थे कुछ चीज़ें गिरने पे मैं बाद गलबात करना नारी मिल रही थे नारी इतनी नहीं बहुत ज़्यादा नारी जी मशहूर ही इतनी है टापा लाने पे हो क्या लाने पे हो ये हलवा पूड़ी है सुबह का नाश्ता है हलवा पूड़ी उर्दू च नहीं दसो पंजाबी या पटवारी में दसो ना ये जी हलवा पूड़ी है भाईजान सुबह का नाश्ता है इस चने होंगे ने सुबह तो नहीं होगी ना सूरज सिर उपर टपी गया हूँ तो हाँ जी काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन 3 बजे तक जो टाइम होंगे इस तो बाद 3 बजे तक इस बाजार नहीं सुबह ही होनी लाइक किस तरह लाने बड़ी टक टक नहीं आवाज तुम कड़ने पेसो अभी आपको हमी तो दसने ला के जनाब मेरी तुसें लाइक दसने ये इस आखने हलवा पूड़ी आयल जो है वो आयल गर्म हो ले फिर आपको चलो थोड़ा जहा घ्यो ने बारे आखने पे जरा गर्म हो जुल तो फिर तुम दसने इतनी देर इन्हें पापे ने गल बात करने हाँ जी क्या हाल है जी ठीक हो ना अल्लाह पाक दे बाबा कितनी पीढ़ी तुसानी थे कितने दसने मी दसने के 100-100, 200-200 साल तुसें कितने साल हो गए बस समझो दूसरी पीढ़ी साड़ी चलती पई है दूसरी तीसरी पीढ़ी पीढ़ी क्या होनी बस पीढ़ी सर नस्ल दे नस्ल जेड़ा तुहान पता है जेड़ा नहीं अस ते पीढ़ियां पीढ़ी आखने जिस उपर बैठने ना उस पीढ़ी आखने लेकिन तुसें इन्हें बहुत सोहनी गल की साड़ी तीसरी चौथी नस्ल भी चलनी नस्ल ही आखने पीढ़ी तो मी दसो जी तुम इतने क्या क्या बेचने हो साढ़े को नली ने आ रही है मगध ने आ रही है बीफ ने आ रही है लोग साढ़े को जड़ा ने असी सिकंदर काला खान आले हैं अच्छा तुस बहुत मशहूर हो लगना इतने हाँ जी अल्लाह पाक का करम है जी अल्लाह दसो तुम को लाजमी जी गल सियासी लोग भी आने उस हाँ जी आते ने जड़ा ने केड़ा-केड़ा सियासी लोग तुसें कोले थे तुसें दुकान उपर आया सारे आए शेख रशीद आया ने जेड़ा ने शेख रशीद होरी ते आखने से कि मैं जिस दिन करो खाना खाना ते आराम ही खाना वो कौन बंदा या ओ शेख साहब ही क्या ने तुसें पैसे दे के जुड़ने नहीं अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब जान पैसे दे के जाने ने शेख साहब पैसे दे के जुड़ने तुसें दसना सना जी इस पास आना थोड़ा जाया माड़ा निका जहा बच्चा क्या हाल है बच्चा थोड़ा ठीक है ना जी क्या करना पे है जी पौड़ी पकड़े पुड़िया नहीं खा रहे हैं आप बहुत सोनी ताड़िया नहीं बात पिछड़ी थोड़ा जहा पिछे होया ना जरा बच्चा माड़े को इस पास हो जरा मी पकड़ा ना जी हाँ भाई छोड़ो पकड़ी गिन पकड़ी गिन जरा पकड़ी गिन अच्छा है तो को जी बहुत सोनी आज फेरी तो सट्टे आज फेरी तो सट्टे तो नाल बहुत सोनी आवाज भी कटने ताड़िया मारने ताड़िया मारी तो दसने असा ही अच्छा जी बहुत सोहनिया पूरी लाने लोग कितना पसंद करने इन्हें जी लोग बहुत अच्छी तरह पसंद करते हैं बड़ी दूरों दूरों आवाम आँदी है आके खाने पूड़िया रोज तुम्हें बिकी जुलनिया रोज कम अज कम 500-600 पूड़ी जी बिक जाती है 500-600 ने नाल जी पूरी बिकी जुलनिया थोड़ा अगे चलने इतने दुकान उपर इसी दुकान उपर तुम्हें दसिया तुम्हें नारी दसी तुम्हें हलवा पूड़ी दसिया तुम्हें छोले दसे तुम्हें हलवा दसिया लोगों ने गलबात कराई सत्तवीं अठवीं पीढ़ी वाले जेड़े थे से ना इन्हें भी गल बात कराई तो ना शेख साहब और बहुत सोहनी गल दसी क्या गल दसी जी शेख साहब शेख साहब साढ़े को लाने ने नाश्ता करते ने अलहमदुल्ला जेड़ा ने पैसे नहीं देने पैसे देने ने पैसे जेड़ा ना अच्छा शेख साहब पैसे है क्या कहने मैं कह पैसे ना भी दवा शेख साहब की अपनी दुकान है शेख साहब नहीं शेख रशीद साहब और आखने शेख रशीद शेख साहब नहीं अपनी दुकान ही और शेख साहब पैसे देन या ना देन मशहूरी हो जुली कंपनी नहीं मी लगना तुसें कंपनी ने मशहूरी बहुत ज्यादा शेख रशीद साहब होरां कीती हुण माशाल्लाह काले खान दी वजह तो शेख साहब दी मशहूरी होण लग पई वजह तो शेख साहब नी मशहूरी होण लगी पी एक निका जिहा वक्फा गिणने आ ते थोड़ा जिहा अगे जुलने आ फिर गलबात तुसां नाल होर करसां होर लोकां नूं मिलासां लोग इत्थे खाणा खाणे ते करतारपुरे ने हवाले नाल जिहड़ा पाकिस्तान तों बनने तों पहले भी करतारपुरा सा इत्थे खाणे छाणे बिकणे होणे से उसने बारे तुसें ही दसा तो माड़े नाल ही रहो
वक्फा किया असा वक्फे तो बाद अस इस वे मौजूद हैं करतारपुरे नी पुरानी पुरानी तुम बिल्डिंगा भी तकियां तुस बहुत सारिया खूबसूरत खाने पीने वाली चीज़ा तकियां इतने नान पे लगने नान करतारपुरे ने यह नान बहुत ज़्यादा मशहूर है सोने सोने नान साढ़े जे बजुर्ग है साढ़े छोटे छोटे बच्चे सारिया इलाके ने इर्द गिर्द रहने मावं भैन हुई इतों आ गए नान भी किनिया तो बकरखानिया भी किनिया बकरखानिया भी नहीं बहुत क्रिस्पी तो बहुत क्रंची होनी थोड़ा अगर जुलने तुम्हें नाना ने बारे दसिया थोड़ा अगर जुलने तुम्हें दसने क्या इस बाजार ने वाले ने बहुत ज़्यादा तारीखी बिल्डिंगा मी सजे तो खबे नजर आई कुछ लोगों तोड़ी तो ना इसकी तारीख मसख करी छोड़ी लेकिन इसके नाल ना जरा इसकी तारीख तो जिंदा सारी जिंदगी रह सी क्यों कि यह जो बाजार है ना ये बाजार ना इसका करतारपुरा है सिखा ने दौर ना इतने सारे बिल्डिंगा जितनी होनी सारिया सिखा नहीं होनी सी और करतारपुरा ने वाले ना लगना मी कि नाम ही उन्होंने उसी करतार सिंह तो उन्हें बनाया और सिख जड़े साढ़े थे से ना साढ़े भैन भ्रा वह खाने पीने बहुत ज़्यादा शौकीन होने से तुसें एक दफा फिर तुसें दसना कि देगा बिरयानी और सारा कुछ लगना पे थोड़ा अंदर जुलने और माड़े भ्रा कुत्थे गए इन्होंने गल भाई किन्ने साढ़े भ्रा साढ़े को खलोते माशाल्लाह साढ़े एक और जवान भी खलोते अम्मी दसो जी कितना अरसा हो गया तुसें ही सर ये अलहमदुल्ला अभी तीसरी जनरेशन है और 1965 से ये शॉप 1965 तो ये दुकान बनी तो ये दसने पे तो कौन आया सर इतने ये दादाबू की दुकान है सात तंदूर है हमारा अबाई दुकान हमारी ये सात वाली है जी दादाबू के तुसने अब और ही क्या करने होने से जी वाले साहब का और काम था कपड़े का फिर वो वाले साहब दादाबू के साथ आए चाचू आए साथ तो फिर अभी तीसरी नस्ल काम कर रही है अच्छा मी समझ इसी के तुसने दादी ने काम अपनाई किदा जी जी दादी ने काम अपनाई किदा है ना और जाहिर जी गाली जड़े अपने साढ़े जड़े अबाओ अजदाद होने उन्होंने हवाले नाल उन्होंने काम करने नाल बरकत होनी तो यह बरकत नाल नाल जो तुम बजुर्गों दी बरकत समेटसो तो तुम अल्लाह तरक्की देसी तुसने कितना अरसा होया तुसें करतारपुरे ने हवाले नाल कुछ और तुसें पता कि पुरानी बिल्डिंगा सोहनी सोहनी बिल्डिंगा और करतारपुरा किस तरह बनया सा ए माशाल्लाह बिल्कुल छोटा जहा बाजार है साढ़ा तो बचपन इतने गुजरे इतने वड़े हुए हैं तो दो चार चंद दुकान सन एक दुध दही वाली सी एक निहारी वाला होंदा सी साढ़ा तंदूर होंदा सी और एक दो दुकान सन पाकिस्तान बनने से पहले गल पे करने हो या बाद में मैं अपने होई जी गल कर रहा अज तो 50 साल 40 साल पीछे चले जाओ साढ़े वड़े सानू दसियां ने गल्लां बिल्कुल शादो नजर कोई दुकान आंदी सी शादो नजर कोई दुकान होनी सी तो हुण ते बाजार जड़ा ए खाने पीने वाले ने ते बहुत मशहूर आ जी सर तुसी भी दसो कि तुसने नान शान ते बहुत मशहूर है तो मैं दसो कि कौन कौन तुम खाने से अचना इतने कुछ सियासी अचना जी सर काफ़ी लोग आते हैं और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान सबका प्यार मिलता है अभी पंजाबी बोलने अभी उर्दू पंजाबी थोड़ी मुश्किल हो जानी है चलो मुश्किल नहीं है सही पठवारी पंजाबी साड़ी शान ही साड़ी जबान ही ना माँ बोली बोलिया करो पठवारी भी साड़ी माँ बोली तुम पंजाबी हो वैसे पठवारी हो असी पंजाबी हैं पंजाबी बोलो ना जी अच्छा मैं दसो कि सियासी लोग कौन कौन तुम इस दुकान पर आया सियासी लोग ना तो नहीं दस सकते लेकिन माशाल्लाह काफ़ी शख्सियत अलहमदुल्ला वोटा शोटा पाने होने हो काम ही करने रहने हो नहीं वोटा भी पाने हैं क्या समझने हो कि इस मुल्क जिन्हें वोटा पाने उन्हें साढ़े मुल्क ने इंसाफ किया उन्होंने इंसाफ नहीं किया भाई जी किसी भी इंसाफ नहीं किया मैं जिस तरह भी गल करना नौजवान नाल गल करना किसी माँ भैन नाल गल करना किसी जवान नाल गल करना आखड़े किसी इंसाफ ना किया क्या गल ही तुम वोटा तो चाहिए किन्ने हो तो इंसाफ किया नहीं करने हो किए लोगों ही सबज बाग दसने हो पिंडी ना बाबा तुम लसन और इंसाफ करना पैसे तुम सचे सीधे तो सुजरे राह जो थे ना दसने पैसे लोगों ही साढ़े जवान भी परेशान साढ़े बच्चे भी परेशान चाहे किनो चाहे किनो क्या कह चुके जुलने पिन ये सर बड़े पाए आपके लिए भेजे आप ही दसो बड़े पावे ने थोड़े से स्पेशल भेजे ने जी पाकिस्तान चू लोग इन्हें को अच्छे तो थोड़ा अगे जुलने अगे जुलने लोग केड़ा केड़ा इतने बंदा खाने खाना पिया थोड़ा जहा अगे जुलने ना माड़े ना एक माड़े भ्रा खलोते जी अस्सलाम वालेकुम जी जी सुने ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थोड़ा जहा हले तुम चीजें चीजें तो नहीं आई थोड़ा खलो तुम थोड़ा खलोई जुलसो थोड़ा खलोई जुलसो नहीं नहीं उठे जुलसो इन्हें लत्त च मैं लगना सह नहीं आखी कुछ खाता पीता ना सह खान पीन लगे उठे बैठे रहो बैठे रहो पहले आखी छोड़ा देखो ना अस जवान जाने लोग सही बाबा जी आखने ते जवान जान जड़े हो बैठे होने मैं आखना पे उठो उठो ते आखने जी नहीं उठी सकने खादा पीता कुछ ना त्रै चार ना टाइम हो गया ते कह गाली ते शाम ना टाइम हो गया नाश्ता करने तू बाद तुसा नहीं लत्त सह बहना जी साहब गुठे खराब जी 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 अच्छा मैं दसो
कितना अर्सा हो गया इतने तुम अचने पे हो खाने खाने पे हो करतारपुर तकरीबन दो तीन साल तो आ रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्हों का टेस्ट है सूफी नाना लेंदा इन्हों के ना ही बहुत अच्छे है और पाए इन्हें चने जड़े है जो ज़्यादा मशहूर ने दसो तुम करतारपुर अचने हो किस ऐसे अचने हो और कितना खर्चा करी छोड़ने बस कोई खर्चा तो इस तरह पता तो नहीं चलता लेकिन फिर भी लगभग दोस्तों के ना ला के खर्चा होना चाहिए होना चाहिए थोड़ा बहुत मी दसो एक गरीब मुल्क जिस मुल्क में लोग परेशान है जिस मुल्क में लोग बेरोजगारी का शिकार है उन्हें इतने खाबे शाबे खाने चाहिए खर्चे करने चाहिए कभी कभी करने चाहिए कभी कभी करने चाहिए उसकी वजह है कि जिंदा रहने से कदे कदे इंटरटेनमेंट से आखने क्या आखने इंटरटेनमेंट बिल्कुल वो करनी चाहिए एंजॉय करनी चाहिए वोट भाई ने वो नहीं वोट नहीं भाई पहला बंदा असा तकिया जो आखना है वोट नहीं भाई हालांकि वोट ने बारे आखने के वोट जी सी वोट ही कौम नहीं अमानत ही अमानत शानत करने वाला गुनागार होना सर अजे तक कोई समझ आ ही नहीं रही कि किसू पाइए जो मामला जा रहे हैं जिरा भी आंदा वोट लैके अपने पास चले जाते हैं और गरीब आवाम का कोई ख्याल ही नहीं कर रहा क्योंकि आवाम इतना इन्हें बेबस करी छोड़िया आवाम वास्ते इन्हें को टाइम ही ना ये आवाम को वोटा तो चाहिए गिनने थोड़ा अगे जुड़ने थोड़ा जहाँ अगे जुड़ने थोड़ा जहाँ इतने बह के गल बात करने साढ़े को साढ़े दोस्त साढ़े मौजूद है जनाब अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है सुना जी अल्लाह का शुक्र जी अलहमदुल्ला तुसाने चीज़ा सारिया तकी तो बावे और भुख लगी गई बाबा जी पहले तुसी खाना खाओ ए जी करतारपुर का खाना है ना तुसी जिते तशरीफ लाए ये कोई आम जगह नहीं है ये पार्टीशन तो पहले क्यामे पाकिस्तान तो पहले नहीं जगह है तो पंजाब ने भी जो राजा रणजीत सिंह हुक्मरान सी ना तो यह जगह बेसिकली सिख कम्यूनिटी नहीं आई जिसकी करतारपुरा फूड स्ट्रीट कहने ना असी ये राजा रणजीत सिंह जड़ा पंजाब ने विच रूलर रहा यह सिख कम्यूनिटी इतने आके आबाद हुई है उन्हें फिर यह पार्टीशन तो पहले 47 तो पहले यह फूड स्ट्रीट ने इफ्तिताह किया इतनी तसली नाल पे दसने एक तो मुसीबत ही ना कि माड़े सामने खाने पे ना खुशबू अशनी भी माड़ी भुख च इजाफा हो गया इतने माड़े भ्रा और तसली नाल पे दसने जिस तरह राजा रणजीत सिंह और बंटे खेडने रे माड़ी गल सुनो ए जड़ी पार्टीशन तो बाद नफरत पैदा हुई हैं ना असा तो वेखो हिस्ट्रिया याद करिए ना तुम पढ़ी लिखी गल पे करने हो हाँ जी असं पढ़ी लिखी हूँ पापा की करिए पढ़ी लिखी गल दे कर मैं बस समझना राजा रणजीत सिंह और बंटे खेडने रे वो तो फिर गल सुनो ख्वाबा के तस्वर के बच्चे फिर असं कुछ भी करी सकने सोनी हिस्ट्री पे दसने सो वो मैं ही कह रहा सा कि इतने सिख कम्यूनिटी आबाद हुई है ना राजा रणजीत सिंह तुम पिंडी च अगर देखो ना तो जितनी भी तुसन पुरानी आबादी नज़र आएगी राजा बाजार अंदरून सिटी सारा यह तो फिर उन्होंने मरूने मेहनत है तो साढ़े हुक्मराना की किया अज तक कि नवे शहर आबाद किए माड़े को पुछने मैं तुम को पुछना पाया बाबे रही सारा पता बाबा रही पता कि साढ़े हुक्मरान जोड़े थे ना उन्हें क्या किया साढ़े मुख नाल इन साढ़े हुक्मराना क्या क्या जुलम किया बाबे रही सारा कुछ पता तुम दसो बाबा असं बाबा जी यही गल कर रहे हैं कि देखो मैं कहना कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अंग्रेज़ इतने आया है कब्जा किया बरे सगीर पाक हुए अगर अंग्रेज़ ना कब्जा करे तो असं खोतियाँ तो होव खोती रेहड़ी तो होव बहुत सारे लोग जो थे वो अंग्रेज़ों ही बदनाम करने वो जी बाबा गल सुनो ए उन्हें कोल है की है पार्टीशन तो बाद इन्ना कालिया अंग्रेज़ा असा की दिता है काले अंग्रेज गुणे ऐ तुसी ते मैं काले अंग्रेज हां ओ बाबे रे काला आखरे भी हो ओ बाबा जी नहीं तुसन मैं नहीं काला आखरे हां अपने आप क्यों काला आप तुस काले हो सो बाबा जी ते माशाल्लाह कोरे कोरे बाबे ने दोबारा ना आखे हुन बाबा जी 7 साल हो गए मैं किसी दस सी तुसी चाय ना पियो चिट्टे हो सो 7 साल हो गए मैं चाय नहीं पीता ए देखो कितना नूर है चेहरे नूर है चेहरे पुणे आखरे बसे अपने आप ही कि अस काले हां ते हुन आखरे पे नूर है नूर नजर अछना पिया ते पापा हुन परेशान साडी गरीब आवाम साडी परेशान आवाम जिन्हें को खाने से कुछ ना जिन्हें सबस बाग दसने लखा मकान देसा जिन्हें दसने अस्पताल देसा जिन्हें दसने तुसानी बेरोजगारी खत्म कर करी छोड़ सा ते चिट्टे किस तरह हो सकने मन ने काले जड़े लोग है वह साढ़े हुक्मरान है अस दिलू चिट्टे किस तरह हो सकने अस किस तरह चिट्टे हो सकने मी दसो बाबा बाबा जी गल है कि असन अल्लाह अकले सलीम दिती ना असं क्या नहीं सोचने अपने बारे असं क्या नहीं सोचने जिस वेले इलेक्शन का दिन आना है तो सारे मतलब बहस बदल के साढ़े को आवे ने और असं की कहने वोट दो वो भाई होश ने आख बहस तो बदलना मदारी तो यह वे मदारी साढ़े ए सारे मदारी एक छोटा मदारी है ये उंगलियां ना पांच
एक कम मदारी है वड्डा मदारी है वड्डा मदारी है उस तो ए सारे मदारी खाना की है नहीं खाने पे खाना माड़ी वजह तो छोड़ ही ताने या माड़े नाल खासो पिंडी ने बाबा आ जाए तो फिर सारी तो वजह पिंडी ने बावे नहीं होवे नहीं है ना। देखो तुसा हुण प्रोग्राम कीता है पिंडी ने बाबा ए किसी नहीं कीता ए तुसी कल्चर दस रहे हो ना कौम आ सियासत भी नाल समझाना पिया दसते हो देखो सियासत ते कल्चर ते नाल नाल है ना बाबा तुसी कल्चर दसोगे ते सियासत नाल ऑटोमेटिकली आएगी ना। कल्चर ते साडा जिहड़ा कल्चर है ना वह बहुत खूबसूरत आ साडा कल्चर जिहड़ा वह उसना उसनी लोग मसाला देने उस उसलियां लोग अंग्रेज जिहड़े थे से उस दियां मसाला देने ते सियासत ते बहु काला काम आ मी लगना सियासत काला काम नहीं आ सियासत खिदमत आ लेकिन इन मदारियां काला बनाई छोड़ा मुल्क सारा जिहड़ा साडा है ना वह कमजोरी की तरफ जुलसी मुल्क ने जदों असी ख्याल ना कर सा अपने मुल्क की बाग दौड़ जी सही तरीके ना संभाल सा इस तरह ने होटलों पर ऐसा और इंजॉय करी करनी चाहिए लेकिन इस दे नाल नाल मुल्क ने भी ख्याल करना चाहिए कि इस मुल्क कह देने पे साढ़े सियासी लोग जड़े थे उन्होंने बारे पता होना चाहिए कि अस अपनी वोट ना किस तरह इस्तेमाल कर सा क्योंकि खाने पीने भी जरूरी सारे काम भी करने बहुत जरूरी है माड़े और माड़े दोस्त होते माशाल्लाह खलोई गए आप भी सुनाओ तुसने क्या हाल बहुत शुक्र आप भी सुनाओ ठीक है अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत बहुत शुक्र है मी जानने हो तुस बड़े चंगे तरीके ने जाने पिंडी तुमा भाई ने बाबा जी पिंडी तो बाबे और तुमा होनी ही है ना क्योंकि बाबे और सारा कुछ पता होना ना सारे हालात बाबे और पता ना ता तुमा होनी और सीधा ठीक है अपनी तुमा तुम जवान हो ना तुम ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤੁਮਾ ਪਾਈਆਂ ਅਸਾਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਗੁਨਾਸ਼ਾ ਸ਼ਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਪੇ ਮਾਰੇ ਅੱਛਾ ਮੀ ਦੱਸੋ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪਿਓ ਇਹ ਪਾਵੇ ਸ਼ਾਹ ਮੰਗਾਏ ਨਿਆਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਕੁਝ ਚਨੇ ਛਨੇ ਮੰਗਾਏ ਦੋ ਸਬਾਬ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋ ਸਾਨਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਗਿਆ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਅਸ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣੇ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣੇ ਆ नमाज पढ़ने तू बाद अल्लाह अल्लाह करने आ तस्बीह शस्बीह रोलने आ थोड़ा जहा कुरान पाक पढ़ने आ ता उस तू बाद घर वाले जड़े साढ़े थे ना अल्लाह ना बहु बहु शुक्र आ नाश्ता असाई टेबल ऊपर देने तुसा ही मारे ख्याल है बाजारा खड़े हो सारे असा की घर नाश्ता नहीं डंडे मारने आने चलो बाहर गचो नाश्ता करो कमजोर है ना तुस पिंडी ने बाबे रहने कुछ अरसा रहो ना तो तुसाई पता चली जुले कि बाबे की ताकत ना अंदाजा तुसाई लगे कि बाबा री नाश्ता मंजी उपर टेबले उपर करने बाबा जी सब खूंडी थे असा को खूंडी नहीं मारे को खूंडी थी ना क्योंकि मैं खूंडी ना सारे काम करी छोड़ना वा तो मी दसो चलो इस मुल्क ने सियासी हालात क्या है मी दसो जरा सियासी हालात ना बाबा जी तो रोला है ये तो इन्होंने पहले तो पार्टियां बदलने किसी एक पार्टी खल लेने जेडे खल लें तो कम कोई नहीं करने समझ आई तो रोडा नहीं ला दे ही करो ना कोई सफाई का निजाम ना कोई रोडा निजाम वोट किन्ने रोडा ही छोड़ो जी रोड तो खराब ही साढ़े सारी जिस रोड पर जुलने टुटिया ही रोड मिलना असाई बस इसी तरह का रला मिला रुझान आ कि बस वोटा से आने बकाया इन्होंने कम काज कोई भी नहीं साड़ी कौम जी थी वह ढेडे अस सोचने जिस तुस आए हो इतने तो जिस जी कौम जिन्हें ढेड कमाया उन्हें और कुछ भी नहीं कमाया इसी तरह का बाबा जी दसो ना हूँ जो सियासी लोग है उन्होंने वादे किए तो उन्होंने वादे पूरे किए ना किए कोई नहीं बाबा जी किसी इलाके कोई काम नहीं होना पाया फिर वोटा बाई छोड़ सो नहीं वोट डाक किसी नहीं पानी बाबा जी नहीं तो गुनाह है ना गुनाह अजीम आ कि अगर तुम वोट ना बसो तो गुनाह होना वोट अमानत ही वोट तो अमानत जब वोटा किन्ने से आने तो फिर कम ना करन तो फिर वोटा किसा पावा वोटा कि नहीं चले जाने अपने अपने मफाद सबस बाग भाई दसने इन्हें उपर कितना एतबार करने हो इतना खास ही बाबा जी कोई बंदा नहीं पिंडिया कैंडिडेट जरा जिसको कम कराए हो वोट तो बननी चाहिए ना वोट बननी चाहिए पर वोट किस मारे भाई अपना टाइम क्या जया करिए जो असा ने काम नहीं करने तो फिर असा क्या काम करिए इन्होंने साड़ी कौम जी जिस वक्त सोचसी कि वोट किया बह जुलो बह जुलो रोटी खाओ तुस तो जिंदा ही हो खाने पीने वास्ते थोड़ा जहा अगे आओ जी मैं तुम्हें दसा जी कि तुसें नली निहारी भी दसी तुसें करतारपुरे ने सारे मामलात भी दसे तुसें दसिया कि शाही मक्खन मक्खन मलाई तो मटन चने खाई तो तुसा दमाग जरा ना थे ना गर्म हो जुलना ना करतारपुरे ने तुसें पुरानी बिल्डिंगा भी दसिया तुसें लोगों गल बात भी कराई तुसें सियासी हवाले भी तुसें दसिया कि साढ़े जोड़े सियासी लोग है वो आवाम भी बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करी छोड़िया तो आखिर उपर अज मी लगना क्योंकि सारे लोग खाना खाने पे तो उन्हें ही उन्हें जुलने पिंडी पिंडी है बाबा जी पिंडी है बहुत ज़्यादा मशहूर आ तो तकने ये लोग जोड़े खाबे खाने पे पाए चने तो मखण ये चीज़ा खाने पे तो इन्होंने गले चु आवाज़ भी निकली कि नहीं निकली ते नारा ते जरूर आ पिंडी पिंडी अपने मेजबान
पिंडी ने बावे रही इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।